हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज आपके लिए आ गया है जी विश्वकर्मा 741 विश्वकर्मा स्टोरी पर, जो कि आपको पता ही है कि आने वाले समय में आज से कम एक महीने बाद लगभग गेहूं का सीज़न आने वाला है। गेहूं कटाई होने के बाद जो हमारा बचा हुआ लांग होता है, जो स्ट्रॉ होते हैं, उसके जो कबाड़ होता है, उसका जो भूसा बनाना होता है दोस्तों, उसके लिए हमारे को ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा रीपर की, यानी कि स्ट्रॉ रीपर की। और सीजन के हिसाब से आने वाला सामान मैं दोस्तों आपको दिखाता रहता हूँ। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ विश्वकर्मा का रीपर, इसमें छोटे छोटे से बदलाव करे गए हैं, आप एक बार देख लो पूरा दोस्तों। शुरू कर देते हैं सामने से, 7.5 फीट चौड़ा इसका कटर है, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है मैं आपको दिखाऊं, काफ़ी बढ़िया मोटी इसकी यहाँ से चादर है जो है वो बनी हुई है। एक बार आप गेयर भी चेक कर लो इसका, काफ़ी बढ़िया गेयर है। रील दोस्तों, ये रील होती है, जैसे कि आपको पता ही है, ये आ गया आपका जो रोलर बीच में लगा हुआ है जी। स्टेप वगैरह बहुत बढ़िया फिट करी गई है, मोटा मोटा था जो इसमें प्लास्टिक का जो सामान यूज़ करा, काफ़ी हैवी है जी। और दोस्तों यहाँ पर आ जाती है जी मेन चीज़, ये चेक करने वाली होती है जी ये, क्योंकि सीज़न में अगर कोई चीज़ में दिक्कत आ जाए तो बहुत दिक्कत आती है जी। ये काफ़ी बढ़िया फिटमेंट इसकी जो है वो करी गई है जी, पुलियाँ वगैरह जो काफ़ी बढ़िया हैं, ठीक है जी। और यहाँ से आप दोस्तों ये देख लो कि जो ये इसकी बेल्ट है, काफ़ी बढ़िया बेल्ट लगाई है, 3 मोटी बेल्ट हैं यहाँ पे। ये पुलियाँ जो हैं ये दोस्तों, जब आप रीपर लेते हो आपको पुली जो है वो चेंज करनी पड़ती है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कोई भी बिना पैसे दिया बराबर में आपके ट्रैक्टर के हिसाब से पुली आपको चेंज करके दे दी जाएगी, ठीक है जी। और आपको टायर दिखा देता हूँ दोस्तों मैं, अगर टायर की बात करें तो 7-9 का टायर साइज आपको इसमें मिल जाएगा जी, बारीक गुड्डी वाला। और दोस्तों ये आ जाता है जी इसका छन्ना जो होता है, जो बिल्कुल जो साफ दाने करके नीचे ये इसमें इकट्ठे हो जाते हैं, जब जो लांग में बच जाता है कंबाइन छोड़ देती है वो इसमें आ जाते हैं। ये हैंडल है, आप इससे इसको निकाल भी सकते हो। यहाँ पर आपको दोस्तों एक टूल बॉक्स मिल जाता है, एक टूल बॉक्स आपको यहाँ मिल जाता है और एक टूल बॉक्स आपको वहाँ मिल जाता है ऊपर। 2023 मॉडल बिल्कुल नया रीपर है, बिल्कुल नए मॉडल का। मैं आपको एक बार ब्लेड वगैरह भी इसके चेक करवा देता हूँ अभी। और बात करें पीछे के लुक की, मैं थोड़ा सा दूर से होके आपको दिखा दूँ, पीछे का लुक दोस्तों कुछ आपको इस तरह का मिलेगा। www.com विश्वकर्मा, इन पर आप जाकर इनकी वेबसाइट पर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है जी। विश्वकर्मा एग्रो इंडिया, यहाँ पर आपको विश्वकर्मा, ये दिलबा शहर है वहाँ पर बनते हैं। डबल ब्लोर है इसमें, 3 ब्लोर वाला भी आता दोस्तों, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लोग कामयाब नहीं समझते, ये डबल वाला है, ठीक है जी। एक बार मैं आपको अंदर से दिखा दूँ तो दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो इसमें आपको डबल ब्लोर मिल जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 5 पर हैं इसमें, मतलब डबल ब्लोर है, एक एक में 5-5 पंखे हैं, ठीक है जी। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ इसकी, कि जो इसके ब्लोर के पंखे हैं पहले 4 आते थे और अब 5 आने लग गए हैं। 5 आने की वजह से क्या है जी, जो खिंचाई है इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है जी। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, थ्रेसर का काम होता है जी लांग को बारीक करना, ये थ्रेसर तो बारीक कर करके नीचे फेंक देगा, लेकिन जब तक ब्लोर उसको घुमा कर बाहर नहीं फेंकेगा तो नीचे जगह कैसे खाली होगी, ठीक है। बात आप समझ रहे हो ना, कि मतलब ये समझ लो कि अंदर स्टॉक भर जाएगा फिर जाम लग जाएगा। ब्लोअर का काम होता है जी सारा भूसा बाहर फेंकना, ताकि अंदर भूसा और स्टॉक हो सके, ठीक है जी। डबल हुक मिल जाती है आपको नीचे, काम अपना जो ट्रॉली को ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, जिसमें आए हुक में उसी समय अपना डाल सकते हो जी, ठीक है दोस्तों। और मैं दोस्तों आपको इधर से दिखा दूँ एक बार अपना राइट साइड से, राइट साइड में भी आप देख सकते हैं जी पुलियाँ वगैरह जो इसकी हैं, बहुत ही हैवी पुली लगी हुई हैं। एक टूल हमारे को यहाँ मिल जाता है, छन्ने वगैरह आप देख सकते हो, आपको यहाँ से भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से छनाई होके जो इसका कबाड़ है वो यहाँ आ जाता है नीचे, और दाने जो हैं इसके नीचे चले जाते हैं, ठीक है जी। और दोस्तों बात आ जाती है कि जो हमारा जो यहाँ से कबाड़ वगैरह चले जाता अंदर, उसका क्या होगा जी, जो वैसे पत्थर वगैरह चले जाए, जब वो पत्थर जाता है तो यहाँ से इसका जो बॉक्स है वो खुल जाता है नीचे से, ठीक है जी। जैसे ही वो खुलता है तो यहाँ पर आपको हॉर्न लगा हुआ, हॉर्न जो है वो बजने लग जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार, थोड़ा सा टाइट है, नया होने की वजह से अभी खुल नहीं रहा है, ठीक है जी।
दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा दूँ इसके जो ब्लेड वगैरह हैं वो किस तरह के, मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर चढ़ के। चलो तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो इसका साइज है वो 57 इंच का साइज है अंदर से। हाँ जी, ये आप चेक करो दोस्तों, क्या गजब का थ्रेसर है इसका। एक बार मैं साइड से दिखा दूँ आपको, ठीक है जी। इसमें दोस्तों आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ मिल जाती है, जो इसका ऊपर का जो कैप बोल सकते हैं, जो ऊपर से लगा हुआ ढक्कन, उसमें भी आप देख रहे हो ब्लेड लगे हैं। थ्रेसर में तो ब्लेड है ही है, नीचे भी ब्लेड लगे हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन नीचे भी ब्लेड हैं इसके, ठीक है। आप यहाँ चेक करो, आर पार सब दिखाई दे रहा है, डबल ब्लोर आपको यहाँ से भी दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो कि काफ़ी बढ़िया। ब्लेड की क्वालिटी बहुत ही एक नंबर की है जी, आप चेक करो, ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ब्लेड इसमें लगे हुए हैं। 57 इंच का साइज है जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अभी मैं इसको दोस्तों घुमा के उधर को कर रहा था, तो बहुत ही वजनदार है, भारी, मेरे से अकेले से हुआ नहीं, फिर मैंने भैया को बुलाया। चलो ऐसे करते हैं, बंद कर देते हैं। चलो दोस्तों ऊपर का लुक मैं दिखा दूँ आपको एक बार, किस तरह का लगता है रीपर का। यहाँ से देखो जी, इस तरह का लुक आपको मिल जाता है जी। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं नीचे और बात करते हैं रीपर के जो मेन पॉइंट है वो है, एक मिनट। हाँ जी दोस्तों, एक चीज़ मैं भूल गया बताने, वो है कि मड़गाट लगे हुए हैं रीपर के ऊपर, बहुत ही बढ़िया टायर के ऊपर मड़गाट लगे हैं। इसका ये फ़ायदा होता है दोस्तों, जैसे सीजन में आपने ऊपर चढ़ना हो तो आप पैर रख के फटाफट ऊपर चढ़ भी सकते हो इसके, ठीक है जी। और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ आपकी जो मतलब क्या कहते हैं, शाफ्ट वगैरह, बेल्ट हो गई, या क्या क्या करना है, जैसे मतलब स्पेसिफिकेशन वगैरह सारा कुछ आपको यहीं लिखा मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, आपने देखा विश्वकर्मा का रीपर, जो मेन मेन चीज़ें दोस्तों दिखाने वाली होती हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं, लेकिन अब सबसे मेन पॉइंट जो है वो रह गया जी, वो है रीपर की कीमत। कीमत है दोस्तों 3,10,000 रुपये, और बाकी आपका लक है। मैं लक इसलिए, किस्मत इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि छूट आती है जी खाते में। पहले क्या होता था, यहीं पर छूट मिल जाती होती थी, लेकिन अब आती है जी 1,30,000 रुपये छूट आपके खाते में आएगी। वो आपकी किस्मत है जी, कब आ जाए, महीने में आ जाए, दो में आ जाए, या 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन वो आपके खाते में आएगी, ठीक है जी। और छूट काट के आपको रीपर जो है वो बहुत ही सही रेटों में पड़ जाता है दोस्तों। आपकी इस रीपर के बारे में क्या राय है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना जी, और मेरे भाई कौन कौन सा रीपर चला रहे हो वो भी मेरे को कमेंट करके बता देना जी। अगर आप अपने रीपर की चलते हुए की वीडियो बनवाना चाहते हो तब भी आप मेरे को कमेंट करके बता देना जी, मैं आपकी वीडियो भी अपने YouTube चैनल पर डाल दूंगा। एक बार मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये है जी इसकी प्लेट जो है, विश्वकर्मा 741 मॉडल 2023, ये आ गया जी सीरियल नंबर, 57 इंच चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। रिक्वायर साइज प्राइम मूवर 37 1902, वेट और मशीन, हाँ जी ये वेट है 19 क्विंटल के समथिंग, इसका वेट है 19 क्विंटल, 2 किलो वेट है रीपर का, ठीक है दोस्तों। वीडियो का करते हैं एंड, वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बता देना दोस्तों, वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।